हेलो फ्रेंड, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आरटीपी नवंबर 2020 और नवंबर 2023 का। ये दो बार आरटीपी में पूछा हुआ है, आपका एक सजेस्टेड में भी एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेशियो का है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, तो रेशियो प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है। तो इसकी एक एक करके इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ते चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन को देखते चले जाते हैं। यहाँ पे आपको सेल्स फॉर द ईयर ऑल क्रेडिट 90 लाख है, तो आपका यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू कितना दिया हुआ है गिवेन गिवेन क्वेश्चन में क्या है सेल्स रिवेन्यू ₹90 लाख दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 35%, 35% ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 90 लाख का 35%, 90 लाख का 35%, 31,50,000, 31,50,000 आ गया। अब आपके पास ये जो आएगा उसके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपका ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ₹58,50,000, 58,50,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आपका फर्स्ट वो हम यूज करते हैं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में 1.5। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स हमें निकालनी है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आपका क्या दिया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 1.5 दिया ना, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट्स। अब बताइए हमारे पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है, 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितना आ गया है, 58,50,000 डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट्स दैट इक्वल टू 1.5। फिक्स एसेट्स बताइए कितना हो जाएगा, फिक्स एसेट्स ₹58,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 58,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5 ₹39,00,000, ये फिक्स एसेट्स आपका 39 लाख आ गया। अब दूसरा देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वर्किंग नोट सेकंड, स्टॉक निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब सुनिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, ये आपका 6 है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 58,50,000 है और यहाँ पे स्टॉक। अब बताइएगा स्टॉक कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक ₹58,50,000 डिवाइडेड बाय 6, ₹58,50,000
डिवाइड 6, 9,75,000। ये 9,75,000 स्टॉक कितना, 9,75,000, 9,75,000 ये स्टॉक आ गया। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो, सुनिएगा एकदम अच्छे से। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी दैट इक्वल टू करंट रेशियो, ये आपको दिया हुआ है 2.5। तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना होगा, 2.5 करंट लाइबिलिटी। मान लो करंट लाइबिलिटी को आप एक्स मान लीजिए, तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, 2.5x हो जाएगा। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो में हम स्टॉक को माइनस करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करते हैं, तो लिक्विड रेशियो में हमारे पास कितनी है, 1.5। ये होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। तो 1.5 यहाँ पे करंट एसेट 2.5x स्टॉक हमने अभी निकाला था, अभी हमारे पास स्टॉक कितना, 9,75,000, 9,75,000, और ये आपका एक्स हो गया। तो क्या हम निकाल सकते कि नहीं करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब देखिए करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। यहां पे उन्होंने करंट रेशियो कितना दिया है, करंट रेशियो 2.5, 2.5 दिस इक्वल टू करंट एसेट्स, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को हम एक्स मान लेते हैं, करंट लाइबिलिटी को हम एक्स मान लिए। अब उसके बाद क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक या लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो उन्होंने लिखा हुआ है, लिक्विड रेशियो लिक्विड रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स को 2.5x लिख सकते हैं, 2.5x माइनस करंट लाइबिलिटी 9,75,000 होल डिवाइडेड बाई एक्स दिस इक्वल टू लिक्विड रेशियो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1.5, 1.5 यहाँ पे 1.5, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2.5x इक्वल टू 1.5x प्लस 9,75,000 और x इक्वल टू एक्स कैसे है, 2.5x माइनस 1.5x रुपीज 9,75,000, 9,75,000 ये आपका करेंट लाइबिलिटी हो गया। करेंट लाइबिलिटी 9,75,000 इज अ करेंट लाइबिलिटी। अब इस केस में यदि करंट एसेट्स लिखना है तो कितना लिखेंगे बताइएगा, करंट एसेट्स 2.5 इंटू करेंट लाइबिलिटी, तो 2.5 इंटू 9,75,000, 9,75,000, तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 2.5 इंटू 9,75,000 इंटू 2.5 तो 24,37,500, 24,37,500 ये आपका करंट एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स पे हमारे पास स्टॉक आ गया। अब स्टॉक के साथ साथ हमारे पास
टोटल करंट एसेट्स आ गया। डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड आपको 1 मंथ है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा? डेटर टर्नओवर रेशियो, तो डेटर कलेक्शन पीरियड आपके पास 1 मंथ है, वर्किंग नोट। डेटर कलेक्शन पीरियड 1 मंथ दी हुई है, 1 मंथ। तो डेटर क्रेडिट पीरियड कितना? डेटर डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्न ओवर रेशियो मंथ इन अ ईयर 12 डिवाइडेड बाई 1, दैट इक्वल 12। 12 में डेटर टर्न ओवर, 12 टाइम्स डेटर टर्न ओवर हो रहा है, तो डेटर टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा? डेटर टर्न ओवर रेशियो क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल। उन्होंने कहा कि सारी की सारी क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, तो दैट इक्वल टू 12। तो डेटर कितना हो जाएगा बताइए आप? 90 लाख डिवाइडेड बाई 12, 90 लाख डिवाइडेड बाई 12, 90 लाख डिवाइड 12 आपका ₹7,50,000 आ जाएगा। अब इसके बाद हम कैश निकाल सकते हैं, कैश, कैश क्या निकाल सकते हैं? टोटल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास कितना है? करंट एसेट्स 24,37,500, 24,37,500। स्टॉक कितना आया है भाई? स्टॉक 9,75,000 रुपीज, 9,75,000 माइनस डेटर्स कितना है? 7,50,000, 7,50,000 प्लस 9,75,000 माइनस 24,37,500, 24,37,500, तो 7,12,500 आपका क्या आ गया? 7,12,500 कैश आ गया, 7,12,500 आपके पास कैश आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं देखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1.5। अब देखिए ये आपके इंस्टीट्यूट ने गलत किया है, ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऐसे दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर 1 डिवाइडेड बाई 1.5 होगा, यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 1.5, और शेयर कैपिटल 1.5 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इस केस में अब आइए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, फिक्स वर्थ हमारे पास है, नेटवर्थ कितना हो जाएगा? नेटवर्थ यहां पे नेटवर्थ का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस
अगर आप शेयर कैपिटल को रिजर्व एंड सरप्लस को एक्स मान लीजिए, अगर शेयर एंड कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को एक्स मान लीजिएगा तो ये 1.5x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, ये क्या होगा? अब आप देखिए, आप प्लीज समझिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल आपको 2 1.5x प्लस रिजर्व में सरप्लस एक्स, ये 2.5x हो जाएगा, 2.5x तो नेटवर्थ हो गया। हमारे पास जो रिलेशन दी हुई है उस रिलेशन में क्या दिया हुआ है, उस रिलेशन में दिया हुआ है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ 1.3 दिया हुआ है। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, तो फिक्स एसेट तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 39 लाख, ये आपको 39 लाख दी हुई है और नेटवर्थ हमने 2.5x लिख दिया, और ये आपको दी हुई है, ये दिया है 1.5, 1. नेटवर्थ, नेटवर्थ आपको कितना दिया हुआ है, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ 1.3, ये 1.3 हो जाएगा। तो आप बताइए 2.5x इक्वल टू 39 लाख डिवाइडेड बाई 1.3, ये आपका 30 लाख हो जाएगा, नेटवर्थ आपके पास 30 लाख हो जाएगा, नेटवर्थ आपके पास 30 लाख। अब नेटवर्थ 30 लाख है, 30 लाख हो गया, अब x की वैल्यू निकाला जा सकता है, नेटवर्थ 2.5x दैट इक्वल टू ₹30 लाख आपके पास हो गया, तो x इक्वल टू करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी ₹30 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, ₹30 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, 30 लाख डिवाइड 2.5, ये आपका ₹12 लाख नेटवर्थ हो गया, 12 लाख नेटवर्थ हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 12 लाख हो गया, 12 लाख, ये क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस दैट इक्वल टू एक्स दैट इक्वल टू 12 लाख। अब शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल यहां से निकाला जा सकता है, शेयर कैपिटल, अब सुनिए, शेयर कैपिटल हमने क्या निकाला था, 1.5 से 1.5 टू रिजर्व एंड सरप्लस 1.5x, 1.5x 1.5 इंटू 12 लाख, ये आपका ₹18 लाख आ गया, ये 18 लाख रुपीज हो गया, ये हमारे पास शेयर कैपिटल हो गया, वर्किंग नोट हमारे पास 18 लाख आ गया। अब दूसरा क्या है आपके पास, कैपिटल गेयरिंग रेशियो। देखिएगा, कैपिटल गेयरिंग रेशियो दो टाइप का आपकी कैपिटल होता है, एक ऐसा कैपिटल होता है जिसपे फिक्स आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होता है, और एक होता है नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में आपका डेब्ट आता है, प्रेफरेंस आता है, नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में इक्विटी आता है, नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में क्या आ जाता है, इक्विटी। तो दोनों की जो रेशियो होगा उसको कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिएगा वर्किंग नोट, कैपिटल गियरिंग रेशियो
कैपिटल गियरिंग रेशियो इसका होता है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल, नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल, नॉन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल। अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0.7875, 0.7875। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और यहाँ पे इक्विटी कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल हमारे पास टोटल 30 लाख है, नेटवर्थ आपको 30 लाख है इक्विटी कैपिटल। तो और लॉन्ग टर्म डेप्ट, इक्विटी आपको रिजर्व में सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल दैट इक्वल टू 30 लाख, 0.7875, 0.7875। और लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट 0.7875 इंटू 30 लाख, 30 लाख। अब बताइए कितना हो जाएगा, 30 लाख। ट्वेंटी 3 लाख 62,500, 23 लाख 62,500। अब ये जितनी भी डाटा मैंने निकाला है इसको सबको हम वर्किंग नोट में एक लिख लेते हैं। आप सुनिए, जो बैलेंस शीट में जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिक्स एसेट्स ये वर्किंग नोट फर्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से स्टॉक आ गया वर्किंग नोट, टू वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट, ये आपकी वर्किंग नोट 3 हो गया, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ गया, अ करंट एसेट्स आ गया वर्किंग नोट 3 में, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी आ गया, ठीक है। डेट कलेक्शन पीरियड से आपको डेटर आ गया, तो ये वर्किंग नोट 4 हो गया, दिस इज द वर्किंग नोट 4। अब आपके पास वर्किंग नोट 5, इससे आपके पास क्या आ गया, ये आपको नेट वर्थ आ गया, नेट वर्थ के बाद आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस, ये करंट लाइबिलिटी आपको नहीं है भाई, ये आपको 2.5 यहाँ पे जो एक्स मानी गई है, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस माना गया, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है भाई साहब, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये कौन सा 5 हो गया, शेयर कैपिटल भी आ गया, वर्किंग नोट 6, वर्किंग नोट 6 से हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अभी क्वेश्चन का आपका सारी चीजें निकालने के बाद मैं आपको बैलेंस शीट में, ये आपको यहाँ पे गलत बनाया है, ये यहाँ पे 12 लाख होगा और यहाँ पे 18 लाख होगा, ये बैलेंस शीट फॉर द ईयर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको शेयर कैपिटल 18 लाख और ये आपको 12 लाख हो गया, ये आपको 12 लाख, 18 लाख प्लस 12 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको ये वर्किंग नोट कौन सा है, ये कौन सी वर्किंग नोट से हमने निकाला है, ये वर्किंग नोट हमने निकाला है आपका 5 पे, ये 5 से वर्किंग नोट आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे पास ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे पास ठीक है, ये वर्किंग नोट 6 से आया है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपको कौन सी वर्किंग नोट से आया है, यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटी
करंट लाइबिलिटी हमने वर्किंग नोट थ्री से निकाला है, वर्किंग नोट थ्री से निकाला है। टोटल आपकी लाइबिलिटी साइड का हो गया, एसेट साइड, फिक्स एसेट्स ये वर्किंग नोट फर्स्ट से निकाला है शायद, और इन्वेंट्रीज स्टॉक भी निकाला है, फिर ट्रेड रिसीवेबल भी निकाला है, फिर आपको कैश एंड बैंक बैलेंस भी निकाला है। ये तो ये आपका बन गया। अब आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री स्टॉक इतनी है, रिसीवेबल इतनी है, कैश एंड हैंड इतना, टोटल करंट एसेट्स आ गया। और करंट लाइबिलिटी में, अब करंट लाइबिलिटी में आपको इतना गया जो मैं ऑलरेडी निकाला है, वर्किंग कैपिटल हो गया। दिस योर वर्किंग कैपिटल 15% ऑफ वर्किंग, एड प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी अगर 15% है तो इस वर्किंग को 15% जोड़कर हम इतना निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके चलिए बेटा, ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।